वेलकम एवरी वन, आई एम डॉक्टर अंजलि सक्सेना, वेलकम यू ऑल। डियर लर्नर्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एक नया मॉड्यूल इंजीनियरिंग मटेरियल्स। इंजीनियरिंग मटेरियल्स में आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक वो है सीमेंट। आज की अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ जनरल पॉइंट सीमेंट के बारे में। सीमेंट क्या होता है, कितने टाइप का होता है, आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक सीमेंट। डियर स्टूडेंट, सीमेंट जिसको हम एक बाइंडर की तरह जानते हैं, ये एक बाइंडिंग मटेरियल की तरह वर्क करता है और दूसरे मटेरियल्स को साथ में बाइंड करता है। फॉर एग्जांपल टू ब्रिक्स को, टू टाइल्स को, इन सबको बाइंड करता है। तो इट वर्क्स एज अ बाइंडिंग मटेरियल। सीमेंट सेट एंड हार्डन इंडिपेंडेंटली। सीमेंट एक बाइंडिंग मटेरियल है जो कि एडहेसिव और कोहेसिव प्रॉपर्टी शो करता है। दो एक जैसे मॉलिक्यूल का आपस में ऐड होना और दो डिफरेंट मॉलिक्यूल का आपस में पेस्ट हो जाना या ऐड हो जाना, इसी को हम बोलते हैं एडहेसिव एंड कोहेसिव प्रॉपर्टीज। तो सीमेंट एक ऐसा मटेरियल है जो एडहेसिव एंड कोहेसिव प्रॉपर्टीज शो करता है। अगर जनरली हम किसी भी सीमेंट को कैटेगराइज करें, ब्रॉडली अगर हम सीमेंट को कैटेगराइज करना चाहें, तो कोई भी सीमेंट टू टाइप्स का होता है। एक तो होता है हाइड्रोलिक सीमेंट और एक होता है नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट। हाइड्रोलिक सीमेंट वो होते हैं जिनका जो सेटिंग और हार्डनिंग होती है दैट इज ड्यू टू द हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। जो उनकी सेटिंग और हार्डनिंग होती है वो हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस रिएक्शन की वजह से होती है। बिटवीन द एनहाइड्रस सीमेंट एंड वाटर, आपका जो एनहाइड्रस सीमेंट है और वाटर के बीच में जो भी रिएक्शंस होंगी वो हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस की वजह से होंगी। जबकि सेकेंड टाइप का जो सीमेंट है दैट इज नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट, इसमें जो हार्डनिंग होती है दैट इज ड्यू टू द कार्बोनेशन रिएक्शन। हमारी एयर में जो नेचुरली प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड है वो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। आइए इसको नोट कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने समझा, कोई भी सीमेंट जिसमें सेटिंग एंड हार्डनिंग जो होती है दैट इज ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन एनहाइड्रस सीमेंट एंड वाटर, और यहाँ पर जो रिएक्शन होती है वो हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस होती है। इस टाइप के हाइड्रोलिक सीमेंट का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो वो है पोर्टलैंड सीमेंट, जो कि मोस्टली और वाइडली यूज होता है, वर्ल्ड वाइड यूज होता है पोर्टलैंड सीमेंट किसी भी कंस्ट्रक्शन के लिए। और इंडिया में मेनली जो यूज होने वाला सीमेंट है वो पोर्टलैंड सीमेंट ही है। तो पोर्टलैंड सीमेंट इज अ एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ सीमेंट। नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट, जैसा कि हमने देखा, इसमें जो भी हार्डनिंग होती है दैट इज ड्यू टू द कार्बोनेशन रिएक्शन, जो कि CO2 की वजह से होती है जो भी हमारी एयर में प्रेजेंट है। और जब कभी भी हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और वाटर का पेस्ट यूज करते हैं दैट इज एग्जाम्पल ऑफ नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट। डियर स्टूडेंट्स, सीमेंट्स को कभी भी हम अकेले एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए, वर्क के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। इसको हम एज अ मिक्सचर यूज करते हैं सैंड और क्रस्ड स्टोन्स के साथ। तो जब हम सीमेंट का अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो उसी के बेसिस पर सीमेंट के कई नाम है, जैसे कि मोर्टार, जैसे कि कॉन्क्रीट, और अगर कॉन्क्रीट में रेनफोर्स्ड प्रॉपर्टीज प्रोड्यूस कर दिया जाए तो हम रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट कंस्ट्रक्शन, जिसको हम RCC के नाम से जानते हैं। तो यहाँ कुछ मिक्सचर्स अवेलेबल है सीमेंट के, जिनको हम जानते हैं मोर्टार, कॉन्क्रीट और रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट कंस्ट्रक्शन के नाम से। आइए देखते हैं ये क्या कॉम्बिनेशन शो करते हैं, इसको हम RCC के नाम से भी जानते हैं। तो डियर स्टूडेंट, बात करते हैं अगर मोर्टार की, तो मोर्टार इज अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड एंड वाटर। That is mainly used for the plastering. जो भी हम plastering के लिए use करते हैं वो mortar होता है। Concrete की अगर हम बात करें that is a mixture of cement, gravel, sand and water. जब हम cement, sand, gravel और water का mixture use करते हैं इसी को हम बोलते हैं concrete. ये मेनली जो यूज होता है ये फ्लोरिंग के लिए यूज होता है, बीम बनाने के लिए, फ्लोरिंग के लिए, इन सब के लिए ये यूज होता है। अगर बात करें रेनफोर्स कंक्रीट कंस्ट्रक्शन की, तो जब भी कंक्रीट रेनफोर्स्ड विद स्टील रॉड्स होती हैं या हैवी वायर्स होती हैं, तो उस कंस्ट्रक्शन को हम रेनफोर्स कंक्रीट कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। रेनफोर्समेंट जो होता है, यानी कि ये क्या करते हैं, ये मेनली हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ को इम्पार्ट करते हैं, इसलिए हम रेनफोर्स कंक्रीट कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो ये था सीमेंट। सीमेंट क्या होता है, कितने टाइप का होता है, इसको बाइंडिंग मटेरियल कहते हैं, एडहेसिव कोहेसिव प्रॉपर्टी शो करता है, कोई भी सीमेंट या तो हाइड्रोलिक होगा या नॉन हाइड्रोलिक होगा, और इसके अलग अलग मिक्सचर्स के हमने अलग अलग नाम देखे, जैसे कि कॉन्क्रीट, मोर्टार, रेनफोर्स कंक्रीट कंस्ट्रक्शन। तो कभी भी सीमेंट जो यूज होता है वो एज अ लोन कंस्ट्रक्शन मटेरियल की तरह यूज नहीं होता है, ये मिक्सचर की तरह यूज होता है। बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सीमेंट की, तो कई ब्रॉडली क्लासिफाइड है जो हमारा सीमेंट, वो नेचुरल, पजलाना, स्लैज या पोर्टलैंड सीमेंट में क्लासिफाइड है। तो ये कुछ नाम देख लेते हैं। तो ब्रॉडली क्लासिफाइड इंटू नंबर 1 नेचुरल सीमेंट, पजलाना सीमेंट, स्लैज सीमेंट,
एंड पोर्टलैंड सीमेंट। नेचुरल सीमेंट की अगर हम बात करें तो इट इज प्रिपेयर विद कैल्सिनेशन एंड पल्वराइजेशन ऑफ नेचुरली अकरिंग आर्जिलेशियस मटीरियल्स। जितने भी हमारे आर्जिलेशियस मटीरियल होते हैं जैसे कि लाइम स्टोन को, उनका हायर टेम्परेचर पर कैल्सिलेशन और पल्वराइजेशन किया जाता है जिससे कि नेचुरल सीमेंट हमें मिलता है। अगर बात करें पजलाना सीमेंट की तो ये ओल्डेस्ट सीमेंट है और जो ये रोमन्स ने इन्वेंट किया था और मेनली ये कंस्ट्रक्शन के लिए यूज किया जाता है वॉल्स पर या डोम्स पर। अगर हम बात करें स्लेज सीमेंट की तो स्लेज सीमेंट जो होता है दैट इज अ मिक्सचर ऑफ लाइम प्लस ब्लास्ट फर्नेस स्लेज। स्लेज सीमेंट की जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ही लोअर होती है जिसकी वजह से इसकी लिमिटेड एप्लीकेशंस है। जो ब्रॉडली और वाइडली यूज होने वाला सीमेंट है ये है पोर्टलैंड सीमेंट जिसको हम मेनली स्टडी करेंगे। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे पोर्टलैंड सीमेंट क्या होता है, इसके रॉ मटेरियल्स क्या है और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट का क्या रोल है इसके उस सीमेंट को बनाने में। तो यही था हमारा आज की वीडियो में। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोर्टलैंड सीमेंट। आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।